सब पीछे बैठे और एक मधुमंगल और तुम कौन था? श्रीदाम भैया। क्या श्रीदाम भैया बोलोगे? जय। और तुम नहीं? और तुम्हारे अंदर सब सब ये हो गया। काफी लाकर लिखे कि नहीं? और तुम क्या तुम किसी का ना क्या भीतर अच्छी किसी? हाँ हाँ सब कह दीजिए ना, सब शेष कर दीजिए, सब सब
जब भी ए बड़ा पंडित बोलो खड़े होकर थोड़ी बोलो बोलो पाँच मिनट बोलो हाँ पाँच मिनट यहाँ पर हाँ दे पंडित जी बताओ हाँ माइक की जरूरत है बिना माइक तो हाँ तो माइक की जरूरत है ओ स्वयं माइक स्वयं ही माइक बोलो 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 श्री गुरुदेव जी की जय ओम अज्ञान विद्राम दृष्टि ज्ञानं जन सलाह किया बीच में खड़ा हो जिसमें पीछे हाँ बिल्कुल पीछे हाँ ठीक हाँ ठीक बोलो और उनका बेस ही माइक माइक इसको लाइक इधर तो तुम्हारी कथा बोलो अपने प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित लीला प्रवीण होम से बात करते हो तत्सत श्री श्री भगवतीदास श्री रूप श्री गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात प्रणाम करता हूँ और विनती महोत्सव जय नित लीला प्रवीण होम से बात करते हो तत्सत श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोपाल जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात प्रणाम करता हूँ उपस्थित समय रचना वचन के सभी के कमलों में यथा उसे प्रणाम करता हूँ तथा तब सबसे अपने अंतों की वांछा करता हूँ मुझे ऐसा आदेश हुआ है कि गुरुपाल जी का गृह महोत्सव श्री श्री राधा भगवान घोड़े मठ बड़ोद में बहुत ही धूमधाम से बन रहा है उसके विषय में कुछ दो मिनट ही बोलने का तो वैसे तो जीवन के विषय में गुरुदेव ने मुझे बोलने के लिए कहा है मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूँ जिनके विषय में स्वयं बड़े बड़े वैष्णवी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते और जहाँ स्वयं यमराज भी उनकी फोटो की पूजा करते हैं तो मैं हाथ से डंडा गिर जाता है जिनके हाथ से डर से हाथ से डंडा गिर जाता है तो मेरी तो स्थिति ही क्या है कि मैं उनके बारे में बोलूं परंतु गुरुदेव का कुछ आदेश हुआ है कुछ पुष्प वाचिक पुष्पांजलि वाचिक का मेरे तो कुछ नहीं है मेरे पास तो फिर भी मैं गुरुदेव के उत्साह से जो मेरे अंदर उन्होंने प्रदान किया है उसके अनुसार कुछ कहने का प्रयास करूंगा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो उसमें सुधार करने का और क्षमा करने का प्रयास करें हाँ बोलो बोलो श्री जो हम मठ में आज तीन दिन से कल से और आज जो हम जगत गुरु जय कलीला प्रवीण पंक्षण पाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमति सिद्धा से ठाकुर प्रभुपाद जी का गृह महोत्सव बना रहे हैं वास्तव में ये महोत्सव है क्या महोत्सव बनाने का मतलब क्या होता है कि बस धूमधाम से सजावट करी आए सब मिलकर बैठे दो चार बातें करी और भंडारा करा ठाकुर जी को भोग लगाया भोग प्रसाद पाया और नाचे कूदे और चले गए क्या वास्तव में यही गृह महोत्सव है यही वैष्णवों की तिथि बनाने का उत्सव है नहीं संत लोग बताते हैं ये वास्तव में ये उत्सव बिल्कुल भी नहीं है उत्सव क्या है तिथि बनाने का उनका है कि जिनके विषय में तिथि बन रही है उनके विचार क्या थे उन विचारों में क्या ज्ञान था क्या शिक्षा थी उन शिक्षा को जानना भी नहीं तिथि है उन शिक्षाओं को अंगीकार करना कि उनको हमने अपने अंदर कितना उतारा है कितना वैसे मेरे अंदर तो एक भी योग्यता नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप अन्यथा लेना सबसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे अंदर एक भी योग्यता नहीं है किसी भी प्रकार की पर जितना मैंने सुना है पढ़ा है मैं उसे ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिनके बारे में हम सुन रहे हैं अगर गुरुदेव बताते हैं अगर ये संत इस धराधाम पर नहीं आते वास्तव में ये पृथ्वी अब तक रसातल में चली गई होती इस पृथ्वी का सामर्थ्य नहीं है कि इतना सारा पाप बोझ को सहन करने का सतयुग था उस समय कितने पापी थे गिने चुने ये उस समय सहन कर नहीं पा रही थी और आज तो सारा पापी पाप है आज इसकी औकात कैसे होगी इस पाप सहन करने के नहीं ये पृथ्वी इतना पाप इतना हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती पर जब इन जैसे संत इस धराधाम पर उपस्थित होते हैं वे इस पृथ्वी के पाप को भी हर लेते हैं अपने चरण स्पर्श से उनके पाप उनके चरण स्पर्श से ये धराधाम भी पवित्र हो जाता है मैं
गुरुदेव जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि ये जीव कौन है। इसमें उन्होंने दो तीन बात बताई है जो मैंने कभी नहीं सुनी और शायद मैं जानता हूँ जब समसाती है आप लोगों ने भी कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबको अमर बताया है। क्या हम बाकी जानते थे? नहीं, हम जानते थे जीने होते, परंतु हम सब लोग अमर है, किसी की मृत्यु नहीं होती। क्यों? किस दृष्टि से गुरुदेव ने सबको अमर बताया? क्योंकि हम सब जीव हैं। मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की होती है। अगर हम शरीर है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। परंतु हम जीव आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर की मृत्यु, इस जीव की मृत्यु नहीं होती, ना कभी हुई, ना हुई है और ना ही आगे होगी। तो वे प्रभुपाद क्यों आए? वे इस जीव को उसके नित्य धाम, हमारा नित्य घर कौन सा है? गोलोक। यही बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई है, मैंने कभी नहीं सुनी थी कि हमारा नित्य घर है, हम सब लोग गोलोक वासी हैं। ये हमें मानना होगा, आप इसको मानो या ना मानो, हम लोग सभी गोलोक वासी हैं। हम अपने को कह सकते हैं गोलोक वासी, परंतु हम उस गोलोक से अपनी भोगने की शक्ति को ज्यादा जागरूक करके इस धराधाम पर आकर गिरे। अगर हमारे अंदर ये भोग भोगने की शक्ति नहीं हुई होती, इच्छा नहीं होती, तो हम अपने घर से कभी इस धराधाम पर मृत्यु जगत में नहीं आते। ये गुरुदेव बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। इस अपने घर गोलोक धाम, हमारा तो धाम वही है, ठाकुर जी के पास ही हमारा घर है, वहां से हम भोगने की शक्ति को लेकर इस धराधाम पर आए हैं। पर राधा रानी कितनी करुणामयी है, गुरुदेव परसों अपने कल सुबह अपने लेक्चर में बता रहे थे कि गुरुदेव ठाकुर रानी कितने, वे जो राधा रानी है अपनी नैन मनी मंजरी को क्या आदेश दे रही है? वे आदेश दे रही है, जाओ जो मेरे पुत्र बच्चे इस धराधाम पर दुख भोग रहे हैं उनको वापस मेरे पास लेकर आओ। वे करुणामयी सरकार इन करुणालय को अपनी ही नैन मनी मंजरी को, गुरुदेव ने नैन मंजरी को दिया है जो उनकी आंखों की पुतली है, हम आंखों से सब कुछ देखते हैं, तो उन्होंने जो साथ साथ उनकी नित्य लीला को देखती है, उसमें सेवा करती है, उनको भेजा अपने परिकर के साथ कि जाओ जो मेरे जीव नीचे इस धराधाम पर इस जगत में कष्ट पा रहे हैं उनको वापस लेकर आओ। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम अपने घर वापस जाने का प्रयास नहीं कर रहे तो हमने उनकी तिथि नहीं बनाई उनकी तिथि। गुरुदेव बता रहे थे कि इस जगत में इस कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अगर उसको प्रभुपाद जी के आने से पहले की भजन प्रक्रिया बताई जाए, वो एक क्षण भी भजन नहीं कर सकता। भजन करने की पहली स्थिति क्या थी? गुरुदेव बताते हैं, पेड़ के नीचे जाकर रहना, पत्ते खाकर भजन करना, वस्त्र पहनना नहीं पहनना इसकी शुद्ध है, चप्पल तो पैरों में मतलब ही नहीं है, कोई घर का कोई मतलब नहीं है। क्या भजन कर सकते हैं हम कलयुग का जीव? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर प्रभुपाद जी ने आकर उस भजन प्रणाली को इतना सुलभ कर दिया, गुरुदेव बताते हैं इतना सुंदर घर, ये मंदिर दे दिया, यहाँ पे कालीन दे दिया, प्रसाद की व्यवस्था कर दी, जो साक्षात राधा रानी का निकुंज है उसको साक्षात यहाँ उतार दिया। इतना सब कुछ होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, नथिंग, बस एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे के दोष देखना, वो देखना, बस यही हम कर रहे हैं। ये मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप सभी किसी की नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी स्थिति है, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। अगर इतना करके भी कुछ नहीं तो मैंने ये तिथि नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई तिथि। मैं तो आया, ये नाच गाना देखा, भोजन मिला, पेट भर गया मेरा और मैं चल गया, यही बात है, चल गया नहीं। ए, 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 इसको ही भजन कहते हैं, भजन और क्या, भगवान का कीर्तन देखा, भगवान का नारत किया, ठाकुर का कीर्तन में नाचे, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? भजन और क्या है, भजन किसको ही भजन कहते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ बोलो तुम क्या बोलना चाहते, कल से मचल रहे बैठ कर, वहीं पर बैठ कर बोलो, तरुण बोलेगा, ठीक ठीक अच्छी बात है, और सुबह बोल रहा था बोलेगा, हाँ उधर बैठ जाओ, हाँ बोलो तो गुरुदेव बताएंगे बाद में, थोड़ा सा ऐसे बोल दे गर्म लग गया, कुछ
ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरेण मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव ये माइक में तो जाएगी नहीं कोई बात नहीं थोड़ा तेज बोलो। ओम विष्णु पादस्तोत्र शतपति वेदांशधर महाराज गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ एवं उपस्थित यहाँ पर सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में नहीं रहने दे थोड़ी सी आवाज चली जाएगी ना बाद में सुन लेंगे। हम सभी कल से यहाँ पर जो शिल भक्ति सिद्धांत ससुर ठाकुर प्रभुपाद जी के तिरोभाव दिवस पर बड़ी सुंदर सुंदर हरि कथाएं सुन रहे हैं सभी भक्तों के मुख से। तो जो कथाएं मैं बोलना चाहती थी कुछ कथाएं तो उसमें कल भक्त लोगों ने बोल दी हैं काफी कुछ, जैसे कि उनके जन्म के बारे में जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन और कैसे बचपन में उनके शरीर में द्वादश तिलक विद्यमान थे और जनेऊ के चिन्ह थे। और जब ये देखा श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि ये बड़ा अद्भुत बालक है और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि देखो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष ही हमारे घर में आए हैं के हमारी सेवा लेने के लिए, तो इसको तुम कभी साधारण अपने पुत्र की तरह मत समझना, ये विशेष कोई भगवान का ही परिकर हमारे घर में हमारी सेवा प्राप्त करने के लिए आए हैं। फिर जब जब वो 7 वर्ष के हुए बताए प्रभु जी ने बताया कि उनको नहीं 6 महीने के थे वो, तब उनके घर के सामने रथ जाके रुक गया था। और फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको दर्शन कराने के लिए लाए जगन्नाथ जी को, तो स्वयं ही वो उनके चरणों में गिर पड़े थे, बालक लिपट गए थे और जगन्नाथ जी की प्रसादी माला उनके गले में आके गिर गई थी। तो ये भी बहुत शुभ लक्षण माना गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते ये भी बहुत शुभ लक्षण है। और ये जो मेरी इच्छा थी, मैंने विमला देवी के चरणों में जो प्रार्थना करी थी वो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और जिन समस्त शास्त्रों को मैंने लिखा है, जिन जो लुप्त हो गए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जैसे चैतन्य चरितमृत को जो लिखा था, जिन हमारे वेद शास्त्रों को उन्होंने लिखा था, उनको मैंने लिख तो दिया है लेकिन उसका प्रचार पृथ्वी पर कौन करेगा। तो कह रहे जो एक सेनापति का की आवश्यकता है मुझे, जो पूरे पृथ्वी पर इसका गौरवाणी का प्रचार करे, उसके स्वरूप में मैंने जिस पुत्र की कामना के लिए जो प्रार्थना करी थी विमला देवी के चरणों में, वो आज मेरी पूर्ण हो गई। तो तब इनका नाम हुआ था विमला प्रसाद। और फिर इन्होंने अपना नाम स्वयं भी रखा था श्री वाष भानवी देवी दैत, तो एक नाम इनका ये भी है कि वो जो राधा रानी की प्रिय दासी है। जैसे अभी प्रभु जी भी बता रहे थे राधा रानी की नयनमणि मंजरी के अवतार हुए हैं। और इनके अष्टकम में भी आता है वृषभानुसुता दैतानुचरम चरणाश्रित रेणु दरस्त महम महादुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। तो जब ये थोड़े बड़े हुए 10-12 वर्ष के, तो इनका एडमिशन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संस्कृत महाविद्यालय में करा दिया था, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे 2 साल ही पढ़े। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुद्धिमता थी वो बहुत तेज थी, बहुत ये तेजस्वी बालक थे। और जो इनके शिक्षक थे, जो वो उसका अनुवाद करते थे शास्त्रों के हिसाब से, वो उसमें इनका वाद विवाद उनके साथ हो जाता था। तो ऐसे करके जो संस्कृत सीख रहे थे, जो व्याकरण सीख रहे थे, तो ये बोलते थे कि देखो मैं यहाँ पे सर्ग विसर्ग सीखने के लिए नहीं आया हूँ, या पटती पटत पटंती गच्ची गथत गछंती, ये चीज़ हैं, मैं इनको सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जो आया हूँ शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो ऐसे करके इन्होंने वो विद्यालय महाविद्यालय था, तो वहाँ से भी ये चले गए। तो जब इनकी इच्छा देखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी मन मन में बहुत हंसते थे कि ये संसारी। तो जब वो थोड़े से और बड़े हुए तो इनको लेकर के फिर वो वहां गए श्री जगन्नाथपुरी में। वहां पे शताशन नामक एक गौड़ीय आश्रम था, वहां पे इनको ठाकुर जी की सेवा पूजा का अधिकार दिया गया, कार्यभार दिया गया। तो वहां पे इनको नरसिंह देव भगवान का मंत्र का दीक्षा दी गई और विग्रह की कैसे सेवा की जाती है वो इनको सिखाया गया, और इन्होंने बहुत अच्छे से की वहां जाकर। वहां के लोग जो बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, इनकी हरिकथाओं की चर्चा सुन सुन के, वो भी इनकी हरिकथा सुनने वहां पे आया करते थे।
तो ऐसे करते करते बहुत हजारों की संख्या में इनकी कथाओं को लोग सुनने के लिए जगन्नाथपुरी शताशन मठ में आया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, जैसे बहुत से लोग सुन रहे थे लेकिन कुछ लोग सुन सुन के पीछे भी हटने लगे, मतलब वहां से खिसकने लगे। क्यों खिसकने लगे? क्योंकि ये जो प्रचार कर रहे थे शुद्ध भक्ति का, वहां पे प्रचार कर रहे थे, ये वहां पे जो अप संप्रदाय थे उनका खंडन करते थे और अप सिद्धांतों का खंडन करते थे। और जो सहजियागिरी वहां पे लोग कर रहे थे, सहजियागिरी नहीं करते थे, शुद्ध भक्ति का वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो जो सहजिया लोगों का उस टाइम बहुत बोलबाला था, तो वहां पे एक सहजिया भक्त थे श्री सखी चरण दास बाबा जी महाराज। तो वो भी एक दिन आए इनके पास, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास, हरी कथा सुनने के लिए। तो वो आए तो वो बड़ा बहुत फेमस उस टाइम थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत सुंदर सुंदर वो कीर्तन करते थे और सहजियागिरी जो भाव होता है उसको प्रदर्शित करते थे। मतलब उनके नेत्रों से आंसू की झड़ी बहती रहती थी कीर्तन करते हुए, और उनके आंसू कभी सूखते नहीं थे। और कौन से कीर्तन का वो गान करते थे कि निताय गौर राधेश्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि प्रभु आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र है, आप इसका जाप क्यों नहीं करते हो, आप इसका कीर्तन क्यों नहीं करते हो, आप इसका क्यों करते हो? तो क्योंकि वो लोग सोचते थे कि इसमें श्री राधे कृष्ण का नाम भी आ गया है, अनिता गौर का भी नाम आ गया है, चारों आराध्य देव आ गए हैं, तो ये महामंत्र भी इसमें आ गया है, तो ये पूर्ण हो गया है, तो हम पूरा मैदान मार लिया है, यानी कि अब हमारा सर्वस्व होगा यहाँ पे। तो ये करके जब उन्होंने पूछा कि क्यों, हाँ हम करते हैं इसका कीर्तन, तो इसका कीर्तन करते हैं तो इसमें आप कृपा करके हमें बताए दोष क्या है, तो इसमें दोष क्या है? तो यारा इसमें फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ इसमें दोष है। देखो पहला दोष तो इसमें यह है कि ये किसी उपनिषद में, हमारे किसी वेद में, किसी पुराणों में इसका वर्णन नहीं है, ये प्रामाणिक मंत्र नहीं है। जिस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र है वो किस में लिखा गया है, कौन से उपनिषद में लिखा गया है? कली संतरण उपनिषद में लिखा गया, उसका उल्लेख हुआ है। हाँ तो इसका उल्लेख बताइए आप, कौन से उपनिषद में है, कौन से वेद में है, कौन से शास्त्रों में इसका है? तो ऐसे करके वो चुप हो गए। फिर दूसरा बोला कि इसमें दूसरा दोष ये है कि ये जो मनगढ़ंत कीर्तन है और इसका अनुमोदन हमारे किसी भी आचार्य ने, किसी महाजनों ने नहीं किया है, किसी गौड़े वैष्णव आचार्यों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है, इसको गाया नहीं है। तो दूसरा दोष ये है कि जिस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी के, श्री रूप गोस्वामी जी के और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो पद्यावली हैं, जो उनके कीर्तन हैं, जो भजन हैं, तो वो प्रमाणिक हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। जो उनके द्वारा लिखी गई हैं कविताएं, पद्यावली, भक्त कीर्तन, जो भी प्रार्थनाएं, वो भगवान उनको स्वीकार करेंगे क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त हैं। लेकिन ये जो तुमने बनाया है मनगढ़ंत तरीके से, क्योंकि तुम शुद्ध भक्त नहीं हो भगवान के, तो इसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, इसके भाव तुम्हारे जो देना चाहते हो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए ये प्रमाणिक नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण स्वरूप उन्होंने समझाया कि जैसे श्री रामचरितमानस है, वो वाल्मीकि रामायण है, वो प्रमाणिक, वो भगवान के शुद्ध भक्तों ने लिखी है, जब हम उसका पाठ करते हैं तो उसका हमें जरूर अवश्य फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम राम जी के चरित्र को हम अपनी भाषा में उसको लिखेंगे और उसको फिर गान करेंगे तो उसका वो फल नहीं होगा। तो दूसरा दोष इसका उन्होंने ये बताया प्रभुपाद जी ने। फिर बोल रहे हैं कि ये जो इसमें निताय गौर राधेश्याम, इसमें क्या दोष बताया? इसमें बताया कि निताय गौर राधेश्याम, तो इसका जो पहला प्रकोष्ठ है इसमें दोष यह है कि जहां पर बलराम जी, यानी कि नित्यानंद कौन है, बलदेव तत्व है, जहां पे बलदेव तत्व आ जाता है वहां पे राधा रानी को हम नहीं बिठाते हैं। तो जहां पर जैसे उदाहरण स्वरूप बताया कि जैसे कृष्ण है, कृष्ण बलराम के साथ गोचारण लीला करने के लिए जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो क्या वहां राधा रानी आ जाएंगी उनके साथ खेलने के लिए, क्या उनके साथ वो मिलन करने के लिए आ जाएंगी कि नहीं? तो इसको बोलते हैं रसाभास। तो यहाँ पे रसाभास दोष है इसमें, इसलिए हम इसको मान्य नहीं करते। हाँ इसकी जगह अगर निताई गौर की जगह गौर गदाधर आ जाता तो गौर
चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी है, और उसके साथ जो गदाधर हैं वो स्वयं राधा रानी हैं। तो कह रहे तब तो इसका थोड़ा सा सामंजस्य हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे द्वारा मान्य नहीं है, तो हम इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। और दूसरा जो जपो हरे कृष्ण हरे राम, तो इसका मतलब इसमें जप करो हरे कृष्ण हरे राम जय निताय गौर राधेश्याम। तो इस प्रकार से तुम इनको आदेश दे रहे हो, किसको? निताय गौर को आदेश दे रहे हो कि राधा कृष्ण को जपो हरे कृष्ण हरे राम करो। तो तुम कौन उनको आदेश देने वाले हो? तो तुम उनको कौन आदेश देने वाले हो? इसमें तो ये आदेश हो गया, ये महामंत्र नहीं है, ये तो प्रमाणिक नहीं है। तो इसको करके ऐसे जब बोला तो उनका मुंह सूख गया और वो बोले नहीं बिल्कुल भी, उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई। और उनके जो लाख लाख शिष्य थे वहां पे, जितने उनके सारे अनुयायी बैठे थे, वो कहने लगे इन्होंने तो हमारे गुरुदेव को पराजित कर दिया है। और ऐसे करके फिर वो उन्होंने विरोध कर दिया, तभी उनका उनका विरोध हमसे तब से ही चला आ रहा है। तो यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। हरि हरि बोल। ये ठीक नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, वो उसको बदला देते कुछ दिन में, बदला देते, लेकिन वो कुछ दिन बाद में वो अप्रकट हो गए, शरीर संसार छोड़ दिए, इसलिए उन्होंने ये चीज़ को बदला नहीं पाए। और शिष्य लोगों ने अभी भी वो निताई और राधे से हम हरे कृष्ण हरे राम करके अभी जब करें, लेकिन इसमें रसाभास दोष है, शास्त्र विरुद्ध। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कोशिश किया उसको अच्छे तरह से, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई तुम बोलोगी? बोलोगे? बोलो, इधर आ जाओ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिका प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला पत्नी सुदक्षम उदार्य माधुर्य गुणश्रेष्ठम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायण तुम शिक्षण नमामि। सुप्रथम में मेरे गुरुदेव पूज्य पद प्रतिष्ठा स्वामी विष्णु पारिष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज श्री परम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में रहता योग्य दंड प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। कल भक्ति वेदांत शैल प्रभुपाद जी की तिथि थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि थी। तो उसमें जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत श्रवण किया और पढ़ा उसके बारे में बताने का प्रयास करती हूँ कि जो प्रभुपाद जी थे ना, ये मतलब वैष्णव उसमें थे, तो इन्होंने इनके पास ना ये अपने भक्ति में इतने निर्भीक और इतने बहुत दृढ़ थे ना कि अगर एक बार ना जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को उनके ना कहीं बाहर जाना चार पड़ गया तो वे चैतन्य चरितमृत का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि क्या तुम इस कथा कर लोगे, उन्हें 5-7 दिन के लिए कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा हाँ कर लूँगा, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर जी थे वहाँ पे कई बहुत सारे शिष्य मतलब उनके पास कथा सुनने के लिए आते थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने कथा करते रहे और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तो देखा कि वहाँ 2-4 शिष्य बैठे हुए हैं, तो उनको देख कर कहने लगे कि मतलब उन्होंने पूछा कि कथा चल रही है? हाँ कंटिन्यू चल रही है। तो एक कहीं के मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति थे जो वहाँ पे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो उनके पास आए, बोलने लगे प्रभुपाद जी से कि आपकी कथा जो ऐसी है कि इसमें सिर्फ 2-4 व्यक्ति ही हैं और आप क्या प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव की तरह का प्रचार कर रहे हैं, इसमें आप क्या प्रचार कर रहे हैं, जबकि ज्ञान कर्म के बारे में बताओगे तो लोगों का भला होएगा, लेकिन अगर आप वैष्णव के बारे में बता रहे हो उसमें क्या भलाई है। तब उन्होंने कहा कि अगर हम ज्ञान और कर्म के बारे में बताएंगे उसमें लोगों का अहित है, कोई भी हित नहीं है, जबकि जो शुद्ध जो सही वास्तविकता है
वो वैष्णव प्रचार से ही होगी, जो वैष्णव धर्म है इससे ही होगी। तो भी इन्होंने कहा कि अगर आपके वैष्णव धर्म में इतनी ही बात है तो यहाँ पे सिर्फ इतने कम लोग क्यों बैठे हुए हैं। तब उन्होंने बताया कि उस समय में जिस जो ग्रेजुएशन करते थे ना, उस समय ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती थी और हर कोई ना उस समय ग्रेजुएशन नहीं करता था। तो कहते हैं कि आज ग्रेजुएशन कितने लोग कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि ग्रेजुएशन की कोई मान्यता नहीं है या उसका कोई वैशिष्ट्य नहीं है, तो उसकी वैशिष्ट्य है। और उस समय एक वैज्ञानिक थे जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि अगर वो वैज्ञानिक है तो मतलब उसकी वैज्ञानिकता को कोई वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, उसका भी अस्तित्व है लेकिन किस लिए, समाज के लिए। तो उसकी पढ़ाई को कितने कर रहे हैं, कितने वैज्ञानिक बन गए। तो उसने तब बताया कि भाई वो अकेला वैज्ञानिक है उस समय। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ज्ञान कर्म का इतना वो नहीं है, वैष्णवता का इतना वो है कि जरूरी नहीं कि इसमें सब आए, जितने लोग आ रहे हैं वो उतने ही आए, उससे कोई वो नहीं होता मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि यो वैष्णव धर्म कम, इसे कम आका गया है, बल्कि इसे ज्ञान कर्म के ऊपर ही मतलब आका गया है। फिर एक बार है ना, एक परिवार था, तो वो परिवार क्या करता था, वो परिवार सब प्रभुपाद जी के आश्रित था, लेकिन उनके परिवार में एक बेटे वे वकील थे, एडवोकेट थे। तो वे है ना मतलब वैष्णवों को, ज्योतिष को मानते नहीं थे। तब उनका जो बेटा था ना, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वैष्णवता का है तो मैं भी प्रभुपाद जी से मिलने जाऊँगा, मैं भी उनसे उनकी परीक्षा करूँगा, उसने कुछ इस तरह से बोला। तो एक बार प्रभुपाद जी कोलकाता गए, तो कोलकाता जब गए तो उसे पता लगा, तो वो प्रभुपाद से मिलने गया। अब उसने प्रभुपाद से प्रश्न किया कि ठीक है, अगर आप इतने बड़े वैष्णव हैं, ज्योतिष हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और किस स्थान पे होएगी। तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही विनम्र स्वभाव से मतलब जाने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं माना। उसने प्रभुपाद जी को बहुत परेशान किया कि नहीं आप बताओगे तो ही मैं जाऊँगा। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अमुक जगह पर, अमुक स्थान पर, अमुक समय पर तेरी मृत्यु होएगी। अब वो घर आ गया। घर आने के बाद उसने क्या करा, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। तो जब वो समय आया, उस समय क्या हुआ, उसी समय पर, उसी स्थान पर, उसी टाइम पर जो उसका पूरा मृत्यु का वो आ गया, टाइम आ गया। तब उसने अपने सब घर वालों को बुलाया और कहा कि मैं प्रभुपाद जी के पास गया था और मुझे उन्होंने ऐसे से बताया था और ठीक वही मतलब मेरे साथ घटित हो रहा है और मेरा है ना उनके चरणों में अपराध हो गया, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल एंड स्टेज पे है, मेरे पास समय नहीं है उनके पास जाने का, तो कृपा करके आप उनके पास जाकर और मेरी तरफ से उनके श्री चरणों में मतलब माफ़ी मांगना, ताकि मैं इस धाम से मतलब आराम से छूट जाऊं। ऐसे ही कल प्रभु जी सुना रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि उनका नारा था कि तुम हमें मुझे ढूंढ दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी उनके पास गए प्रभुपाद जी के पास, क्योंकि उनके पास बहुत सारे यंगस्टर मतलब जो नवयुवक थे उनमें थे, तो उन्होंने सोचा कि ये है ना सब मेरे साथ आज़ादी की लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ इसमें मेरा सहयोग देंगे। तब उन्होंने कहा, जब ये प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी से कहा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के लिए मैंने एक आंदोलन कर रखा है और इसमें आप कृपा करके मतलब कुछ युवकों को दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि क्या आप गीता को मानते हैं, कह रहे हाँ मैं हिंदू हूँ, गीता को तो मैं मानूंगा ही, गीता हमारा शास्त्र है, धर्म है, सब कुछ मैं मानता हूँ। तब उन्होंने कहा कि गीता में क्या लिखा हुआ है, कि तो उन्होंने बताया मतलब गीता में लिखा है यमयम वापि स्मरण भावम तजयन्ते क्लेवरम तम तमें वेति कौन्तेया सदा तथा तद्भाव भाविता, कि जो जैसा स्मरण करके शरीर छोड़ता है उसका अगला जन्म वैसे ही होता है। कि अगर तुम इस युद्ध संग्राम में क्या हुआ, इस आज तुम भारत के लिए लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते मर गए, तो तुम्हारा क्या होगा, मरण हो जाएगा और तुम्हारा अगला जन्म किसी कारण से इंग्लैंड में हो गया, तो तब तुम क्या करोगे। आज तुम भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उधर उनसे लड़ रहे हो, लेकिन कल को तुम भारत को ही गुलाम बनाने के लिए इंग्लैंड की तरफ से लड़ोगे। तो उनको इस बात को रियलाइज़ हो गया कि हाँ मतलब प्रभुपाद सही कह रहे हैं, कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम तो सिर्फ इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जीव को, इस जड़ जगत, इस माया रूपी संसार से, इस माया रूपी जो जंजाल में वो हर तरह से फंसा हुआ है, जिस प्रकार हम संसार में इस दावनल में फंसे हुए हैं, जो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जितने प्रकार के ताप हैं, इनमें हम जकड़े हुए हैं और जिस चीज़ का हमें अभी आभास भी नहीं है, इस इतने बड़े तापों से मैं क्या कर रहा हूँ, इस जीव को छुटकारा दिला के उनके जो धाम है, गोलोक धाम, जो हमारा अपना धाम है, उसमें पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं इस जीव को यहीं छोड़ दूँ, मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। और एक बार प्रभुपाद जी जो थे वे 3-4 साल की उम्र में ही थे, तब उनके पिताजी ना वर्ष का जैसे नया नया सीजन का आम आता है वो लेकर आए,
तो उन्होंने क्या किया, उस आम को अपने कमरे में टेबल पर रख दिया। अपूर्व भाई जी छोटे थे तो वैसे, पर भक्ति विनोद ठाकुर जी तो स्नान करने के लिए कमरे में मतलब चले गए, और उन्होंने क्या किया उसमें से एक आम लिया और उसको खा लिया। तो इतने में भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तो उन्होंने देखा कि आम खा रहे हैं, तो उसने पूछा कि तुमने ना बिना भगवान को भोग लगाए इस आम को कैसे पा लिया। तब उन्होंने कहा कि मतलब कि उन्हें ना इस बात की बड़ी वो हुई कि क्योंकि भगवान कौन है, भगवान सभी चीज़ों को भोगता जो है भगवान है। तो उन्होंने कहा कि मैं ना मतलब भगवान के आगे उन्होंने क्षमा मांगी और बोला कि मैं ना आज के बाद कभी भी आम को ग्रहण नहीं करूँगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बाकी आपके बुला रहे श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का भाई चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणाम अंकन करते हुए उनके हरि की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरण में अहित की कृपा मंगल की कामना करते हुए उनकी प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। प्रभुपाद जी के परम आदर्श स्थापित होने के 100 वर्ष हुए ही नहीं, जगत में हरि भक्तों की बाढ़ है, हरि भक्ति की बाढ़ है, ये सारे जगत में विदित है, किसी से छुपी नहीं है। सत्ययुग तृतीयुग द्वापर युग में जितने भक्त हुए हैं और जिस रस की भक्ति की उन्होंने कामना की है, उन सब जितने भी सिद्धांत है वो तो सब कुछ एक तरफ है। और प्रभुपाद जी की धारा के अनुगत जितने भक्त हैं, चाहे वो अनर्थ ग्रस्त जीव भी क्यों ना है, वो उनसे श्रेष्ठ है। ये वाणी मेरी नहीं, ये भक्ति विचार राजा भक्ति करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे प्रभुपाद जिसको स्पर्श किया परंपरा से, यानी कि प्रभुपाद जिसे प्रत्यक्ष दर्शन किस किस का हुआ होगा, किसी ने प्रत्यक्ष रूप में गुरु जी कहकर प्रभुपाद के चरण आश्रय किए होंगे, पर हमने तो नहीं किया, हमने तो उनको साक्षात रूप में नहीं देखा। परंतु वो इस बात को इंगित नहीं घोषणा कर रहे हैं कि मेरे प्रभुपाद जी के चरण आश्रय जिन जिन्होंने आगे परंपरा से करते चले जाएंगे, वे सब उन सत्य तृतीय द्वापर युग भक्तों से श्रेष्ठ होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आज हो सकता है हम लोग उनके सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं। एक समय में वृंदावन में जब पहले प्रभुपाद जी की तिथि को मैं वहां पे एक दो बार मैं वहां पे गया, तो मेरे को बहुत कुछ कम समझ में आता था, समझ में नहीं आता था। परंतु वो जो आदर्श है, वो जो विचार है, वो विचार हर कोई व्यक्ति आते हैं और वो माइक पकड़ते हैं और एक ही बात कहते हैं कि प्रभुपाद जी का आदर्श कितना बड़ा है, कितना बड़ा आदर्श है। पर मैंने कभी अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सुनने को नहीं मिला, केवल इतना ही सुनने के लिए मिला प्रभुपाद जी का आदर्श कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, क्या बड़ा है। वो बात जो है ना, वो बात कभी कही नहीं जा सकती है, वो बात वास्तव में देखी जा सकती है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, हम तो भाषाहीन है, हम तो शब्दहीन है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को वर्णन ही नहीं कर सकते। जादवर भूषण महाराज जी कहते हैं उसको कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है, नहीं तो भगवान को एक भक्त बनाने के लिए भी, एक भक्त भगवान को भी बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। परंतु जो उनके भक्त होते हैं ना, वो इतने शक्तिशाली होते हैं, शायद भगवान भी कहते होंगे कभी मेरे को भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, मैं भी भक्त बन पाऊं। इसलिए कई कल्पों में, कई युग में भगवान अवतार लेने के बाद कभी उनके मन में इच्छा होती है कि कभी मैं महाप्रभु भक्त रूप में आऊं। महाप्रभु ने भक्ति तो है, आप बताओ सोने का मूल्य ज्यादा है या आलू का मूल्य ज्यादा है?
सोने का मूल्य ज्यादा है ना। तो जब महाप्रभु एक बार मतलब इतने दुर्लभ है, जैसे सोने के पास बहुत कम भीड़ लगती है ना, आलू के पास तो बहुत भीड़ लगती, परंतु सोना बनने के लिए महाप्रभु, क्योंकि भक्त सोना है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा भगवान आलू है, परंतु अगर कहीं पे तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो इस बात को हमारे भक्त लोगों ने आचार्य वर्ग ने किया। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं जितने वेद सिद्धांत के जो सार है, उन सारे शास्त्रों के सिद्धांत को, उन सारे स्मृति स्मृति और न्याय जितने प्रस्थान रही है, जितने वेद पुराण है, वो सबको और उन सब जितने भक्तों को इंगित करता है, भक्तों के आचरण को पलट के एक तरफ में धर दो, मेरे प्रभुपाद जी के विचार जो वो वाणी थ्योरी और मेरे प्रभुपाद जो प्रैक्टिकल है, ये दोनों को अगर एक पलट में भर दो तो वो भूमि में जड़ करके टट करके रहेंगे, कभी हिलेंगे भी नहीं। मेरे प्रभुपाद जी के अंदर इतनी शक्ति है। परम गुरुदेव कहते हैं कि प्रभुपाद जी अगर एक एक अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो शास्त्र भी, कई शास्त्र उसको बहुत विस्तृत तरीके से भी विचार नहीं कर पाते, जिसको प्रभुपाद जी इतने गुण रूप में एक एक वेद के अर्थ को सार को उन्होंने रख दिया। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी है ना परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी प्रसंग सबको पता होगा, वेद व्यास ने पुराण आदि को रचना की, चार उनके शिष्य थे, वेद पुराण को दे दिया, तो उन चारों शिष्यों को क्यों दे दिया, क्योंकि वास्तव में वो श्रीमद् भागवतम जो है ना, जितने भी संसार में पुराण आदि है, ग्रंथ उपनिषद है, उन सबका सार भागवत है, परंतु भागवत सार है इस चीज को उन्होंने नहीं दिया। हम जैसे बच्चों को कई बार ऐसा कहते हैं कि बच्चे 2 लीटर दूध लेकर के चले जाया करो, 5 लीटर घी हम बच्चों को नहीं देते, क्यों, क्योंकि 5 लीटर घी 10 लीटर दूध दे देंगे, 5 लीटर घी नहीं देते, कभी बच्चा बाहर फेंक दो या कभी उससे गलती हो जाए, गिर जाएगा तो कई पैसों के नुकसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने देखा ये तो सारे शास्त्रों का सार है, मैं सार को अरे गिर व्यक्ति को नहीं दूंगा, जो वास्तव में अधिकारी होगा मैं उसको दूंगा। सुखदेव परीक्षित व्यास देव जी ने बहुत सारे शास्त्रों को रचना किया, उनका जीवन ही ऐसे चला गया, परंतु उन शास्त्रों को संकलित करने के बाद आलोड़न करने के लिए, उसको जगत में आचरण स्वरूप देने के लिए किसी को भी उनको नहीं मिला। बहुत मनोकामना के बाद एक पुत्र मिला और उस पुत्र को ही वास्तव अधिकारी उन्होंने बनाया। ठीक इसी प्रकार की जो प्रतिफलन है ना, इस जो ये क्रम का जो प्रतिफलन है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी की, इसमें देखी जा सकती है। भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी और बंगला इत्यादि भाषाओं में बहुत से 100 से ज्यादा ग्रंथ उन्होंने रचना किया। उनकी एक एक भक्ति विनोद बाणी वैभव सज्जन तोषणी ऐसे ऐसे ग्रंथ को उन्होंने बना तो दिया, परंतु उसको जगत में प्रचार करने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे व्यास देव जी बहुत ग्रंथ रचना करने के बाद भी, परंतु एक प्रभुपाद जैसे सुखदेव गोस्वामी हुए, भागवतम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सुख शास्त्र है ना, सुखदेव गोस्वामी का ही वो शास्त्र है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी ग्रंथ है वो सब भक्ति विनोद ठाकुर को जनाने वाले प्रभुपाद है। इसलिए ये दोनों तो देखने में एक है, परंतु इनमें कोई भी किसी प्रकार के भेद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भावों को ही प्रभुपाद जी ने अपने शरीर में अपने स्वरूप में आचरणशील कराया। और कल हम सुन रहे थे ना, गुरु भजन विक्रमात, जब गुरु बैठ करके भजन करता है उस भजन के प्रभाव से इस शिष्यों के अंदर वो सब भजन संचालित होता है। जगत में जितने भी आज कंठी तिलकधारी हैं और आगे जितने भी कंठी तिलकधारी होंगे, वो केवल उस 10 साल का ही मेहनत का फल है, जो 10 साल प्रभुपाद जी ने बैठ करके चंद्रायण व्रत के माध्यम से अपना 3-3 लाख हरिनाम को किया था, उसी 3-3 लाख 10 साल के जो 12 साल का जो मेहनत है जो उन्होंने किया था, उसी का ही फलस्वरूप उनके निज परिकर हमारे गुरुवर हम जिन जिनों के अंदर आया है। इसलिए वो सब कुछ उन्हीं के भजन के प्रभाव से, कितने निर्भीक भक्ता, प्रभुपाद जी जैसे निर्भीक भक्ता कोई नहीं है। निर्भीक बन कौन सकता है, देखो निर्भीक कौन बनता है, मतलब जिसको भय नहीं होता, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए आपसे मैं 10 रुपए लिया हूं ना, कई बार हम दुकानदार से 10 रुपए मतलब 100 रुपए का बाकी मान लो किसी उधारी हम ले लिया है, तो हमारे कमल प्रभु आए, उनको पता है क्या करते हैं, वो हेलमेट पहन के जाते हैं ताकि पहचान ना पाए, तो मतलब हम उसे भय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें
प्रभुपाद जी संसार में कुछ लेने के लिए तो आए नहीं थे, किस प्रकार से भय है उनको, इसलिए वो देने के लिए आए थे। और क्योंकि एक भक्त जो होता है वो वास्तव में इस संसार से अनासक्त और भगवान में पूर्ण आसक्त है। केवल संसार से अनासक्त होने पे भी एक व्यक्ति का डर नहीं हटता, उसको पूर्ण रूप में भगवान के चरण में आसक्त होना पड़ेगा। इसके उदाहरण में मैं आप छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक गाय के पीछे ना वो पड़ गया शेर, और शेर भाग रहा है, गाय भागती जा रही है। उसने क्या किया, एक दलदल के अंदर फंस गई और गाय, जैसे थोड़ी सी आगे गई अभी तक पीछे शेर है वो भी दलदल में फंसा हुआ है। थोड़ी सी फासला है, यहाँ से दो चार कदम फासले में गाय पीछे शेर पीछे, वो शेर पीछे और गाय आगे, तो वहां पे गाय हो करके हंस रही है। तो शेर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तू हंस क्यों रही। तो उसने देखा, बोला देख मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि मेरे को रक्षा करने वाला कौन है, कोई है, मेरा जो ग्वाल मेरे को जो पालन करता है ना, जो ग्वाल है, जब मेरे को उसने सुबह छोड़ा है, शाम को तो ढूंढने के लिए आएगा ना, शाम को ढूंढने के लिए आएगा, जिस स्थान पे मैं जाता हूँ वो मिलेगा, और जब मिलेगा नहीं तो वो दौड़ते हुए इसी स्थान पे अनुकरण करता हुआ आएगा, और वहां पे मेरे को फंसा हुआ देख करके मेरे को उद्धार कर लेगा ना। पर तेरा कौन निकाल लिया, तेरा कौन है, तेरे को उद्धार करने वाला कौन है बता दो, क्योंकि तूने किसी के शरण में चरण में शरणागति नहीं की है। इसीलिए शरणागति जो पूर्ण रूप में शरणागत होगा वो बचता है। इसलिए प्रभुपाद जी के अंदर क्या था, उपेक्षा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पूर्ण रूप में शरणागत थे। भय नहीं था, उपेक्षा नहीं होने का कारण वो पूर्ण रूप में शरणागत थे। और एक व्यक्ति जो व्यक्ति देने वाला हो ना वो किसी को नहीं डरता है। इसीलिए एक समय मायापुर में बंगाल के माधव चंद्र बोस करके जो एक बहुत सुंदर वैष्णव थे, उनके जो भातृपुत्र थे उनका नाम था रोहिणी कुमार। ये सुंदरानंद विद्यानंद प्रभु ने अपने संकलन में लिखते हैं सरस्वती जयश्री में, इस बात को वो कहते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी के अंदर कितनी बड़ी मतलब एक सांसारिक अलौकिकता और परमार्थिक अलौकिकता में संपूर्ण रूप में जो कहते हैं ना परफेक्शन, मतलब वो था। और वो किस प्रकार अपने शिष्यों को रक्षा करते थे अपने भजन के माध्यम से। एक समय जो रोहिणी कुमार जी वे आए बंगाल में, बंगाल में उस समय पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल एक ही था। जैसे वे आए नवदीप में तो वहां पे बहुत अपसंप्रदाय बाबा लोग बैठ करके गोसाई लोग जो क्या करते है ना, इलिश माचर झोल हरी हरी बोल, मतलब मछली का झोल मतलब रस भी खाते और हरी हरी बोल भी करते, इस प्रकार की व्यवसाय चला देते है ना। इसीलिए सुंदराणाम शुभ कार्य जो हरेर नाम विक्रयी, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु सदगुरु की अभाव या तत्व जिज्ञासा की अभाव के कारण कई लोग भटक जाते हैं। पर यदि हमारे अंदर निष्कपट भगवान के चरण में कामना रहेगी, निश्चित रूप से भगवान हमें मदद करते हैं। उन्होंने उनके पास गए, वो आउटबाउल संप्रदाय के थे, बाउल संप्रदाय के थे, तो उनके पत्नी के साथ वो रहते थे, आचार्य भी हुए हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं और तंबाकू बीड़ी नशीली पदार्थ का सेवन भी कर रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ, एक समय क्योंकि ये तो भजन परायण थे, ये वास्तव में गुरु करने के लिए आए थे, इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। एक समय इन्होंने योगपीठ मायापुर में आए थे किसी कारण से दर्शन करने के लिए। वहां पे प्रभुपाद जी उनके जो वाणी विक्रम से सब जगत को जो कहते ना कि एक एक मिनट में वो संसार दशा को खंडन करते, तो प्रभुपाद जी की इस प्रकार वाणी की वैभव को देख करके उन्होंने बहुत आचरित किए। और वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है, उस शुद्ध भक्ति यहाँ पे चाय नहीं छोड़े हम, यहाँ पे माला दस माला हमसे नहीं होता है, हम अंजलि भाव की बात करते हैं, हम गोलोक वृंदावन के पारकीय रसों की भाव की बात करते हैं, इस प्रकार कई उस समय लोग बात करते थे। परंतु एक ही केवल प्रभुपाद जी ऐसे थे जो पूरा का पूरा विधिवत वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति को संपूर्ण रूप में ठीक ठीक रूप में उपस्थापन किया था। तो इस बात को जब उन्होंने सुना कि वास्तव में तो ये मेरे गुरु जी होने के लायक है, योग्य है, जब वो वापस गए और नवदीप में पहुंचे गुरु के घर पे, उस दिन रात को सोए, रात को सोते ही उनको क्या दिखने लगा, देखा कि एक तरफ से व्याघ्र अपने पत्नी व्याघ्री के साथ बाघिनी के साथ आ रहे हैं उनको क्या करने के लिए, काटने के लिए, और ये कोई और नहीं थे, उसके जो गुरुजी और गुरुमा ये दोनों ही थे, दोनों ही व्याघ्र और व्याघ्री के रूप में आए। परंतु ये अपना प्राण को बचाने के लिए भागे, तो बाघ से ज्यादा थोड़ी भाग सकता है कोई,
तो ये भाग रहे, परंतु जैसे ही उन्होंने गिर करके प्रार्थना किया कि हे भगवान इस संकट की स्थिति में मेरे को उद्धार करो, तो उस समय प्रभुपाद जी उनको उद्धार करने के लिए खुद प्रभुपाद जी आए। सपना जब सपना टूटा तो उन्होंने दोबारा वापस जाकर के प्रभुपाद जी के चरण में सारी बातों को रहस्य को उन्मोचन किया। प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरा पूरा ठीक ठीक भक्ति के वास्तव निर्देशन करा के उनको अपनाया। इसी प्रकार से देखी जाती है कि प्रभुपाद जी के अंदर कितनी अलौकिकता थी। एक समय प्रभुपाद जी के प्रचार की निर्भीकता देखो, जैसे कैसे माधव श्री माधव गौड़ियावर जो ढाका में प्रतिष्ठित है, ढाका में जब प्रभुपाद जी उस समय हमारे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी वहां पे सारे जो उसको संभालते थे, प्रचार कार्य को संभालते थे, तो वहां पे जब प्रभुपाद जी जाकर पहुंचते हैं बहुत बड़ा आयोजन होता है, और आयोजन के पश्चात वे लोग कहते हैं अरे ये गौड़ी मठ वाले ये लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति का पुराना नाम है उसको बदला देते हैं, जो उसकी वर्ण है उस वर्ण व्यवस्था को भी बदल देते हैं। वर्ण मतलब हम मान लो क्षत्रिय है जनेऊ धारण करा के, तो ये तो सबको ब्राह्मण बना रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। परंतु वे मारती ब्राह्मण पाखंडियों को क्या पता था, नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरण में कितने ऐसे ही तुम जैसे पाखंडी ब्राह्मण, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे कितने ब्रह्मज्ञानी महाप्रभु के चरण में हजारों निदर्शन है, परंतु उनको कौन जानता है। केवल उंगली उठा देना बड़ी बात नहीं है, सामने आकर के भक्तों के सामने अपने वाणी को रखकर के वास्तव जीत अगर कभी हो सकता है। भक्त कभी हारते नहीं है, सरलता के कारण कभी चुप हो जाते हैं परंतु कभी हारते नहीं। एक बार इस्कॉन के प्रभु जी वो गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक ना आया जो जाकिर नायक होता है ना, वो जाकिर नायक के कुछ फॉलोअर्स आए, बोले तुम्हारे ये गीता में क्या कहते हैं भगवान निराकार है, बोले कहां लिखा है, तो उन्होंने बोला कि देखो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमा नहीं होता है, वेद में लिखा गया है। अब वो बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं था पर इतना जानता नहीं था, उन्होंने एकदम से अपने प्रभु जी को बुला लिया, बोले ये क्या कह रहे हैं, हमें प्रभुपाद जी को परास्त करना चाहते हैं। बोले क्या कह रहे हैं, बोले भगवान की प्रतिमा नहीं होते, भगवान के स्वरूप नहीं होते। बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब समझ लो, न तस्य उनका प्रतिमा नहीं है, कौन सी प्रतिमा नहीं है, माई की प्रतिमा नहीं है, माइक मतलब इन तीनों गुणों से जो आबद्ध होकर के शरीर दिया जाता है, ऐसा प्रतिमा हम जैसा शरीर जैसा नहीं है, उसका तो जो निर्विकार प्रतिमा है मतलब जो विकारों से संपूर्ण रूप में व्यतीत है अतीत है, ऐसा प्रतिमा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य था कि वो इन्हीं बातों को खंडन करते। हुआ ये कि बाद में उन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, उस समय इलेक्ट्रिक पोल था, उन इलेक्ट्रिक पोल में ये सारे चीजों को लिख दिया कि इन्होंने इस प्रकार गलत चीजों को बाहर मतलब फैलाते हैं कि किसी को भी ब्राह्मण बना देते हैं, किसी को भी कोई जनेऊ दे देते हैं इस प्रकार। तो वहां पे प्रभुपाद जी खुद आकर के सबके सामने पंचरात्र की जो विधिवत जो उपासना जो वैदिक भक्ति का उपासना उन्होंने उस समय उन्होंने बोला कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांत के हरण भक्ति उत्पाद एवं केवलम। कहते हैं जो पुराण विधि भक्ति है ना, ये सब कुछ पंचरात्र में लिखा गया है, और वास्तव में जो व्यक्ति को वैष्णव बनना है उसको ब्राह्मण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति का योग्यता है, वैष्णव उसका क्या है पात्रता है, अपना है, निजस्वता है। व्यक्ति जीव शुरू से ही वैष्णव है क्योंकि वो विष्णु का दास है, इसीलिए शुरू से ही वो वैष्णव है। परंतु ब्राह्मण किसी ने बनता है क्योंकि पूर्व पूर्व जन्मों की जो संस्कार है ना, कभी कुत्ता बना होगा तो क्या क्या संग करके आया होगा, क्या क्या खा के आया होगा, उन संस्कार को परिमार्जित करने के लिए विधि से उसको ब्राह्मण बनना पड़ता है, नहीं तो जन्म से तो सारे सूत्र होते हैं। तो जब इस बातों को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने बोला ये तिलक का क्या है, तो उन्होंने वहां पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उद्धृत किया पुराणों के वचन, ताप पुंड्र ताप पुंड्रह तथा नामस यागस्य पंचमम यागस्य पंचमम अमिहि परम एकांतिक हेतवे। इस प्रकार एक श्लोक है नारद पंचरत्न में कि जो ताप पुंड्र और नाम जनेयु ये सब पांच जो संस्कार है ना, पंच संस्कार हर एक जीव के प्रति परम एकांतिक है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने वहां पे उनको खंडन किया। ऐसे ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है प्रभुपाद जी की भजन जो था ना, एक प्रभुपाद जी का भजन आप इनकी जो एक एक बात कितने मतलब गुण रहस्य इनमें छुपा है। कल हम भजन कर रहे थे ना, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, उसमें बताते हैं निर्जन रे घरे और प्रतिष्ठा रे निर्जन रे घरे तब हरि नाम केवल कैतव। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहना चाहते हैं जो घर पे बैठ करके केवल हरे कृष्णा करते बिना सेवा करके
तो ये सब क्या है, कपटता मात्र है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत हरे कृष्णा करता हूँ, पर वास्तविकता में भगवान के प्रति उसका रुचि क्यों नहीं हुआ है? भगवान भूखे बैठे हैं और हमारे अपराध युक्त नाम होता है और इन्हीं अपराध युक्त, अरे अपराध है नाम में बहुत कैसे सकता है, नाम तो नित्य शुद्ध मुक्त है। उन्होंने उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य तो हर समय सूर्य ही है परंतु सूर्य को बादल ढक देता है तो सूर्य का वास्तव प्रकाश नहीं मिल पाता हमें। आज सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश मिला, बाद में बादल ढक दिया, इसका मतलब क्या वो सूर्य ऐसे ही काले होते हैं क्या? नहीं होते हैं, सूर्य तो वास्तव में क्या है, पूरा ज्वलंतमान है परंतु बादल उनको ढक दिया। तो हमारे अनर्थ ढका हो करके जब हम हरिनाम करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, नाम अपराध कहते हैं। परंतु इन नाम अपराध से धीरे धीरे निरंतर नाम अपराध जाए, इस बात को प्रतिस्थापन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो तुम अकेले बैठ करके हरिनाम करते हो ये वास्तव में कब होगा, तब होगा जब हम सेवा करके उस सेवा की परिपाटी को हमारे हृदय में उतारेंगे, हमारा दिल छटपटाएगा धड़पेगा कि कब हमें वैष्णव की उनके जब जा करके वैष्णव आएंगे उनको कब मैं स्वागत करके लाऊंगा, कब वैष्णव जब कीर्तन में क्रंदन कर रहे होंगे तब कब मैं उनके ताल में ताल मिला करके मैं ठाकुर जी की गुणगान कर पाऊंगा, ये भावना जब आएगा कब आएगा, वैष्णव के संग से। और वैष्णव संग करें कथा कीर्तन में, हम भजन करें ऊपर छत में हरिनाम करें हरे कृष्णा, तो ये कहते हैं कि तुम्हारे हरिनाम का तब है। परंतु बाद में जो लास्ट पैर का वो क्या कहते हैं, वो सारी बातों को वर्णन करने के बाद साध्य साधक को एक ही श्लोक में उन्होंने उद्धृत किया और वो था क्या था, राधा दास्य राधा पद छाड़ी राधा दास्य, उसमें कहते हैं कि कीर्तन प्रभावे स्मरण वैवे से काले निर्जन भजन संभव, केवल कीर्तन करो पर उच्च स्वरे हरि नाम रव, पहले तो बता दिया तुम्हारा हरिनाम कपटता है, अब क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारा हरिनाम एकांतिकता है, अब कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि उस नाम जो हमने शुरू किया था वो अपराध युक्त नाम था, तुम्हारे नाम की अभिनय में कितने सारे अनर्थों को मैंने दिखला दिया कि तुम जो वैष्णव के सामने जो सेवा करते हो वो निष्कपट नहीं है, तुम्हारे जो आगे चल करके जो बहुत बातों उन्होंने बताया प्रतिष्ठा अत्यंत की प्राय की नष्टि की निवृत्ति जब तक नहीं होता है तब वो शुद्ध नाम नहीं है, तो पहला जो नाम था उनका नाम अपराध से उन्होंने शुरू किया था, यानी कि वो नाम नहीं करना है। तो जब बाद में उनका अभिधेय खत्म होता है प्रयोजन की स्थिति में पहुंचता है तब वो प्रयोजन क्या बदल जाता है, शुद्ध नाम में बदल जाता है, यानी कि प्रभुपाद जी की एक कीर्तन पूरे भागवत की सार संग्रहित तत्व है, इसीलिए प्रभुपाद जी को समझ रखना आसान बात नहीं है। उनकी जो गौड़ी पत्रिका मैं पिछले दो दिन से पढ़ रहा हूं उसको, गौड़ी पत्रिका में उन्होंने एक बात लिखी है, एक जगह पे एक टॉपिक लिया है हरि भजन बोलना, मतलब मेरा हरि भजन नहीं हुआ है, इस बात को उन्होंने सारे जीवों को उंगली उठा करके दिखा दिया, हर एक व्यक्ति को वो वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, और कब तक पढ़ना पड़ेगा, जीवन की आखिर सांस तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कहते मर के दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कहते शरीर छोड़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म का साध्य है और उन जन्म जन्म के साध्यों को उन एक टॉपिक के अंदर एक पेज का है, कभी समय मिले ना वो बंगला में तो है पर मैं कभी आपको बता दूंगा, गुरुजी गुरुदेव आपको बताएंगे उसमें कितनी सुंदर बात लिखा है, कोई भी किसी भी पर कोई जीव का ऐसा साध्य नहीं है कि वास्तव में उसको चैलेंज कर दे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी की बहुत बहुत महिमा है, मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बाद की अरुण महाराज की आजा वाह वाह पूजा की हरे कृष्ण हरे कृष्ण माइक ले श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सर्वशाली श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सबसे पहले अपने ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री भक्तिनाथ श्रीगुरु श्रीमती महाराज जी श्री चरण प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव जब गुरुपाद जी अपने गुरु जी के पहले दर्शन किए तो
तो जो उनके गुरु जी थे परमहंस लखनऊ सदानंद जी महाराज, तो मैं जब रूपा जी उनके पास गए तो मैं यह वाला कीर्तन कर रहे थे, को थाई गो प्रेम मई राधे राधे, यह वाला कीर्तन करते करते रूपा जी उनको दर्शन किए, तो वे पूरे उसमें आविष्ट होकर वे कीर्तन कर रहे थे, तो यह देखकर रूपा जी उनके ओर आकर्षित हुए और यह आकर्षित हुए तो रूपा जी उनसे दीक्षा लेने के लिए बार बार जाने लगे, तो उन्होंने बार बार उनको मना करने लगे कि नहीं मैं पहले राधा रानी से पूछूंगा, मैं ठाकुर जी से पूछूंगा, आज मैं भूल गया, फिर महाप्रभु से पूछूंगा, यह सब बोलकर उन्होंने आश्रमिक रूपा जी को हरिनाम और दीक्षा दे दी। तो जैसे जैसे समय बीता तो एक बार गुरुदास वाली महाराज जी क्या महाराज जी वो अस्वस्थ लीला कर रहे थे और बोले कि जब मैं प्रकट हो जाऊंगा तो मेरे शरीर मेरे पैरों को बांधकर पूरे नवदेव धाम में घसीटना। तो जब प्रहंसिला गुरुदास वाली महाराज जी प्रकट हो गए तो जो रूपाजी थे और अन्य उनसे शिष्य वो सब उनको प्रहंसिला गुरुदास वाली महाराज जी को घसीटने के लिए तैयार हो गए। प्रभुपाद शिष्य कुछ बाबा जी लोग तो वो घसीटने के लिए तैयार हो गए, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने उनको घसीटने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो गुरु जी बोलते हैं ना उनको समझना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए वो तैयार हो गए तो प्रभुपाद जी ने उन्हें मना कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला जो कोई एक साल के अंदर स्त्री स्मरण किया नहीं किया हो तो इनको आके हाथ लगाए, तो कोई भी आगे नहीं आया। तो उसके बाद 6 महीने बोला तो फिर भी कोई नहीं आया, उसके बाद 1 महीना बोला फिर भी कोई नहीं आया, फिर 1 दिन बोला फिर भी कोई नहीं आया, 3 दिन बोला फिर भी कोई नहीं आया, फिर 1 दिन बोला फिर भी कोई नहीं आया। तो इससे फिर रूपा जी ने उनको समाधि दी चैतन्य मठ में जो आज भी स्थित है। और कल गुरु जी बता रहे थे कि रूपा जी ने 3 चीज खाने से मना किया है, प्याज लहसुन और चाय। तो एक जो एक कोई बोले कि प्रभुपाद जी आप ना चाय की छूट दे दो, चाय की छूट दे दो, तो जितने भी ये आप सब भक्त देते हैं ये सब आपके शरणागत हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला आकाश में हमें अधिक तारों की आवश्यकता नहीं है, हमें बस एक चांदी चाहिए। हाँ हरे कृष्णा, टाइम हो गया, ऊपर हरि बोल। हाँ देखो हम लोगों ने प्रभुपाद की बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनी, सब अलग अलग सुनी, हाँ सब लोगों ने अलग अलग कथा सुना है। हमारे जनार्दन प्रभु की बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, इसलिए बहुत दिन से संग्रह कर रहे थे, आज सारा दिन सब पढ़ रहे थे इसलिए सब भक्त लोगों ने सब अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने सबको सब अलग अलग बात बताई, कोई एक ही बात नहीं बताई। उसको तो ऐसे लगता है पृथ्वी में जहाँ जहाँ प्रभुपाद की विष्णु में हरि कथा होती है ना, मेरे को ऐसे लग रहा है शायद यहाँ सबसे बढ़िया, क्योंकि मैं सारा दुनिया में जाता हूँ, प्रभुपाद की कथा भी सारा दुनिया में बोलता हूँ जानता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी हरि कथा बोला, इसलिए कितने सुंदर हरि कथा बोले। श्री बलदेव प्रभु का जो प्रसाद उनका प्रसाद माला भी उनके हाथ से गिरा, मतलब बलदेव प्रभु कौन है कहते ये कहते हैं जो बलदेव प्रभु मूल आधार शक्ति है, संधिनी शक्ति अधिष्ठान देवता, और प्रभुपाद कौन है वो भी वही है, हैं? इसलिए हमारे गुरुवर को हम क्या कहते हैं, ये बलदेव अभिरना और नित्यानंद प्रभु ये अभिरना श्री गुरुपाद पद्म, इसलिए लगता है हमारे यहाँ जो प्रभुपाद की अतिथि बनाए बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने अच्छे तरह से प्रभुपाद बढ़िया, इसलिए हाँ इसलिए प्रभुपाद की बहुत बहुत सारे प्रभुपाद की कथा, एक समय ब्राह्मण और वैष्णव में ये बहुत दिन से ही ब्राह्मण वैष्णव कह करी
हैं, कुछ विषय भी लगे तर्क वितर्क और झगड़ा होता है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ है, और ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं वर्णना नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, भगवान भी जिनको पूजा करते हैं। कभी किसी विषय को लेकर के एक स्थान है जिसका नाम बाली घाई है, ये मेदिनीपुर में, वहां पर उस समय ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ते थे, विद्वान लोग थे, शास्त्र ग्रंथ पढ़ते थे। इसलिए वहां पर कुछ वैष्णव लोग भी थे महाप्रभु धारा में, दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। जो लड़ाई हुई अभी वहां पर बड़े बड़े विद्वान को बुलाया गया, विचार होगा वैष्णव बड़े ना ब्राह्मण बड़ा है, अभी इसी विषय को लेकर विचार होगा। अभी अभी ब्राह्मणों के पक्ष में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अभी वैष्णव के पक्ष में फिर कौन विद्वान होगा जो कि उनको साथ में शास्त्रार्थ करेगा। फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उसी समय में राधा रमन में गोस्वामी थे, वो भी बड़े विद्वान थे, बोले हमारे पक्ष में शिला प्रभुपाद को हमारे पक्ष में नियुक्त किया जाए। वहां पर हजार हजार लोग देखने के लिए आए, ब्राह्मण वैष्णव में विचार होगा। इसलिए पहला दिन विचार में जब प्रभुपाद को बोलने के लिए दिया गया, प्रभुपाद ने केवल ब्राह्मण ब्राह्मण की महिमा बताई है, कैसे ब्राह्मण वर्णना ब्राह्मण गुरु, वर्ण में कैसे ब्राह्मण गुरु है, कहते नाम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कैसे कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का देवता और भूसुर, भू मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता, कहते पृथ्वी के देवता को बोले ये ब्राह्मण लोग हैं, ठाकुर जी को स्वयं पूजा करते हैं ठाकुर जी। उन्होंने इतने ब्राह्मण की महिमा बताई, इतने ब्राह्मण की महिमा अलग अलग शास्त्र से बताई, इसको सुन करके ब्राह्मण का छाती तो खुल गया, बोले ये तो हमारी महिमा बताई है, इन्होंने ब्राह्मण की महिमा बताई। इसलिए दूसरे दिन भी ऐसे ऐसे विचार हुए, ब्राह्मण का क्या महिमा, वैष्णव का क्या महिमा। लेकिन जब लास्ट का दिन है, इसको पूरा ग्रंथ बनाया हुआ है, हो सके तो आप लोग भाई पढ़ सकते हो, विस्तृत रूप में ब्राह्मण वैष्णव की ग्रंथ है, उसमें क्या क्या विचार हुआ था वो पूरा का पूरा वहां पर वर्णना की गई। लेकिन जब लास्ट का दिन प्रभुपाद को जो विचार करने के लिए दिया गया, प्रभुपाद क्या भाषा प्रयोग की है, प्रभुपाद कभी अगर इनका लेक्चर कभी आप सुनोगे, इनका टीका, इनकी वक्तृता आप सुनोगे ना, समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि इनकी जो भाषा ये गोलोक वृंदावन की भाषा है, इनकी गोलोक वृंदावन की भाषा, इसलिए उन्होंने जो भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। अभी उन्होंने विचार किया ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं किसको, ब्राह्मण कहते हैं किसको, ब्राह्मण का क्या क्वालिफिकेशन है, बोले जन्मानाम चायते शूद्र, बोले जन्म से ही सबके सब शूद्र है, लेकिन संस्कारात दिव्यो दिव्यो उच्यते, जब उनका संस्कार होता है फिर उनको दिव्य, दिव्य मतलब होता है जिनको दो बार जन्म हुआ, संस्कार से उनको दिव्य कहते हैं। बोले वेद पाठेत भवेत विप्र, जब कोई वेद पाठ करते हैं फिर उसको विप्र कहलाते हैं। लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण कब होंगे, जब वो ब्रह्म वस्तु को, जब भगवान को है जानेंगे तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म तत्व ना जानती ब्रह्म सूत्रेण गर्भिता, केवल जनेऊ पहनने पर कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। इसलिए जब तक वो ब्रह्म तत्व को कोई नहीं जानते, इसलिए ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं वास्तव रूप में वही ब्राह्मण है। इसलिए ठाकुर जी जैसे सुदामा जी की उन्होंने पूजा की, सुदामा कौन है, बोले ब्राह्मण ब्रह्मवितम, जो ब्रह्म तत्व को अच्छे तरह से जो जानते थे, भगवान सभी थोड़ी को पूजा करते हैं, ठाकुर जी जो ब्रह्म तत्व को वास्तव रूप में जानते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा देखो भगवान जो वर्ण बनाया, बोले चतुर वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्ण कर्म विभागस, भगवान जो चारि वर्ण भगवान ने बनाया, कैसे बनाया चारि वर्ण को, बोले गुण और कर्म से उन्होंने बनाया, जन्म से नहीं बनाया, जन्म से नहीं बनाया, उन्होंने कर्म से बनाया। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोले विप्रात दुई क्षण गुण जुत अरविंद पदार बिंदा विमुखात स्वपचम वरिष्ठ, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। बोले विप्रात दुई क्षण गुण जुत, ब्राह्मण का 12 गुण होता है,
हैं ब्रह्म ब्रह्म सम धम तप शौच संतो तो आर्जव उनको 12 गुण होता है ब्राह्मण का। यहाँ पर कह रहे थे अगर किसी अभी तो कलयुग में ब्राह्मण का एक गुण भी देखना कठिन, 12 गुण छोड़ दो एक गुण भी नहीं, जो अंतर इंद्रिय बाहर इंद्रिय को जो दमन करी सम धम तप शौच पवित्रता को जो रक्षा करी अभी एक गुण भी मिलना कठिन है। लेकिन वो कहते हैं अगर किसी ब्राह्मण के अंदर में मानो 12 गुण है पूरा का पूरा 12 गुण लेकिन भगवान से विमुख पदारविंदा विमुखात, लेकिन भगवान की भक्ति से वो विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कहते उससे एक चंडाल, उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है, हैं सोपच बोले चंडाल, उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है। बोले क्यों? अगर वो चंडाल भगवान की भक्ति करता है वो तो अपने आप उद्धार होगा ही, लेकिन जब किसी वंश में एक केवल वैष्णव हो जाए क्या होता है? बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र उनका 3, 7, 21 पीढ़ी उनको उद्धार लेगा, इसलिए वो तो खुद उद्धार होगा ही लेकिन उसको 21 पीढ़ी का भी उद्धार कर लेगा। लेकिन जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण का कोई भी गुण नहीं है, केवल जनेऊ लेकर गर्वित तो करता है हम तो इसी वंश में हम आए, कहते अपना तो उद्धार होगा ही नहीं, दूसरों को भी उद्धार नहीं कर सकता है, अपना उद्धार भी नहीं दूसरों को उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कितने शास्त्रों से प्रमाण देकर के समझा है, बोले अभी तक जितने ब्राह्मण हुए हैं जैसे वशिष्ठ कहाँ से जन्म हुई? बोले कुंभ से जन्म हुए। कहते श्री ऋषि सिंह मुनि कहाँ से जन्म हुई? एक हिरण से जन्म हुए हैं, हिरण से अगस्त ऋषि जन्म हुए हैं। इसलिए कहते श्री विश्वामित्र जी ये कौन थे? पहले क्षत्रिय थे लेकिन बाद में उन्होंने जब श्री वशिष्ठ जी की महिमा को देखे फिर उन्हें तपस्या से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण बने। इसलिए जितने सब ब्राह्मण का नाम हमारे शास्त्र में जितने सब ऋषि मुनियों का नाम लेंगे ना आप देखोगे कोई भी एक भी ब्राह्मण घर में जन्म नहीं, एक भी कोई ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुए, सबके सब कर्म से ब्राह्मण बने, जन्म से नहीं कर्म से सबके सब ब्राह्मण बने। इसलिए अगर कोई भगवान की भक्ति करते है कहते सहस्रेभ्यो, एक श्लोक है ना ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्र जाति विशिष्यते सत्र जाति सहस्रेभ्यो सर्व वेदांत सारः सर्व वेदांत विप्रत्या विष्णु भक्ति विशिष्यते। इसलिए यहाँ पर बताया जो विष्णु भक्त हैं सहस्र सत्र जाति ब्राह्मण ये तो उनसे एक श्रेष्ठ श्री विष्णु भक्त हैं। इसे जगत में हैं बताओ हनुमान जी कौन सा वंश में जन्म हुए? बंदर, बंदर वंश में ना। हनुमान खुद कहते हैं सवेरे अगर मेरे नाम कोई ले लेगा कोई देखेगा ना सारा दिन उसको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन देखो मैं प्रभु का भजन करने का नाते मेरे हनुमान जी को देखो कितना मैं सबरी कौन सा जाति में जन्म हुए? सबरी ठाकुर जिनका झूठा बैर का है। इसलिए विदुर जी कौन से जाति में जन्म हुए? शूद्र। ठाकुर जी उसके घर में जाकर के कहेगा छिटका ठाकुर जी खाते हैं। विभीषण कौन सा जाति में जन्म हुए? राक्षस है। राम दरबार जब लगता है भगवान बराबर उसको आसन प्रदान करते हैं। प्रहलाद कौन सा घर में जन्म हुए? वही राक्षस घर में जन्म हुए हैं। और हमारे भगवान राम का जो मित्र है सुग्रीव बंदर है गुहक चंडाल है, लेकिन देखो ये सबके सब भगवान की भक्त होने का नाते भागवत में रामायण में इनका नाम अमर हो गया। काकभूषुंडी काकभूषुंडी कौवा सबसे चंडाल है, कौवा को सबसे पक्षियों में सबसे चंडाल माना गया। गिरिधर सबसे निकृष्ट है ऊपर उड़ता है लेकिन था नजर है मांस में, इसलिए ये सब के सब छोटे जाति में जन्म लिए, लेकिन ये भगवान की भक्ति करने का वजह से इनका ही जगत में नाम जय जयकार हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने वहां पर जो उन्होंने विचार बताया ना वैष्णव का कितना श्रेष्ठ होता है, भगवान स्वयं जिनकी पूजा ठाकुर जी कहते हैं अहम भक्त पराधीन जो स्वतंत्र इव दिव्य साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय, भगवान कहते भक्त तो मेरे को अपना हृदय में बांध करके रख दिए है, मैं दस साधुओं का साधु हृदय मुझम साधु नाम हृदय मैं कहाँ निवास करता हूँ, मैं तो साधुओं का हृदय में निवास करता हूँ, भक्त का मैं पराधीन हूँ। उन्होंने वैष्णव का इतने महिमा बताए
प्रभुपाद इतने जयजयकार हो गया वहां पर, प्रभुपाद ने वैष्णव धर्म को इतने श्रेष्ठ रूप में वैष्णव धर्म को स्थापन किया, वहां पर हजार हजार लोग आए हुए थे सुनने के लिए प्रभुपाद को विचार को सुनकर इतना श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जयजयकार हो गया और सारे लोग प्रभुपाद का विचार सुनकर के उनके चरणा में लेने के लिए सबके सब टूट पड़े, लेकिन उनको बहुत कष्ट से रोका और उनको क्या किया, प्रभुपाद के चरण को एक गामला बहुत बड़े गामला में हाँ वहां पर उनका चरण का अभिषेक किया, वो पानी ना एक मिनट में कहीं गायब कर दी और सबके सब इनकी प्रभुपाद की सबके सब इनकी चरणामृत लिए है प्रभुपाद की। इसलिए कहते प्रभुपाद कभी कभी कोई कोई सोचते हैं जो महाप्रभु का भक्त लोग बड़े दीन है, कहते ना त्रिनाद सुनने से ना महाप्रभु का जो भक्त लोग अपना दीन ही नहीं मानते हैं अपने आप को, इसलिए लेकिन कभी उन्होंने कभी प्रभुपाद कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाया, बोले कब ऐश्वर्य दिखाया, बोले किसी एक घर में कथा प्रभुपाद कथा कर रहे थे और जब प्रभुपाद कथा कर रहे थे ना तो पीठ वहां पर थोड़ी सी कोई आवाज प्रभुपाद का गंभीर कथा विचार है। अभी क्या हुआ, जैसे पहले घर में जैसे हम किस घर में जाते हैं ना जब वैष्णव लोग घर में कीर्तन सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, इन्होंने अपना घर में प्रसाद की व्यवस्था पहले लकड़ी से रसोई बनती थी है, थोड़ी देर पहले लकड़ी से रसोई बनी, अभी चूल्हा भी कभी देखे होंगे आग अभी भी जल रहा है धधक रहा है। इतने में उसके घर का एक छोटा कोई बच्चा था, वो छोटा बच्चा जैसे प्रभुपाद ऐसे बैठे हुए इधर से कड़ी से इधर बैठे हुए प्रभुपाद को पीछे था, वो चूल्हा जल रहा था अभी भी लकड़ी धधक रही है। इतने में सब के सब लोग बैठे हुए और देखते देखते उसी घर में कि छोटा बच्चा जो घूंघट अपना घुटने पर चलता था और देखते देखते वो बच्चा ने चूल्हे में गिर पड़ा, लकड़ी का आग जल रही थी उस चूल्हे में गिर पड़ा। अभी जितने बैठे हुए थे ना लोग प्रभुपाद की इतने काम कर दिया था, कोई भी बच्चा गिर रहा है लेकिन कोई उठ नहीं रहे, क्यों हरिकथा में डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए कोई वहां से उठ नहीं रहे। जब वो बच्चा गिर गया ना इतने में सब लोग देख रहे लेकिन उठ नहीं पा रहे, अभी तो सबका मन खिलबिल बच गया, अगर देखोगे बच्चा गिर गया मन लग गया भजन में मन लग गया कथा में मन लग गया, प्रभुपाद देख रहे सबका जैसे खिलबिल बच गया है, प्रभुपाद समझ गए बोले कुछ हुआ है क्या, तब बोले प्रभुपाद जी घर का जो बच्चा ना वो चूल्हे में गिर पड़ा लकड़ी का चूल्हे में। प्रभुपाद ने कहा चूल्हे में गिर पड़ा, बोले हाँ, बोले चलो देखते हैं। जो आपने देखा वो बच्चा चूल्हे में खिलकर मछली खेल रहा था, प्रभुपाद ने गए और बच्चे को वहां से अपना हाथों से बच्चे को उन्होंने उठा लिया है, बच्चे को उठा लिया क्योंकि प्रभुपाद कौन है और राधा रानी के नयन मणिमंजरी प्रभुपाद ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनकी हरि कथा में ही इतने प्रभाव है, इनकी हरि कथा में इतने ओजस्वता, इनकी हरि कथा में वो जो अग्नि है ना अग्नि एक देवता है ना अग्नि एक देवता है, ये भगवान को खुद कहते मत भयात पार्थिवा स्वयं सूर्यस्तपति मत भया बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु स्मरति मत भया, भगवान कहते मेरे डर से सारा दुनिया काम कर रहे, सूर्य उपसंयुक्त समय उदय होता है, पानी इंद्र बारिश करता है, अग्नि में जो दाहिना शक्ति मेरे आदेश पर है, भगवान की अरे भगवान के शुद्ध भक्त है ठाकुर का शुद्ध भक्त, इनकी भक्ति में इतने प्रभाव है, वो आग अपने आप शांत हो गया, अपने आप शांत हो गया। हाँ प्रभुपाद का हरि कथा के सामने प्रभाव, प्रभुपाद गए और बच्चे को उन्होंने चूल्हे से उन्होंने उठा करके ले आया, थोड़ी सी खोल सकते नहीं लगा, इसलिए सब लोग देख करके ना प्रभुपाद की आश्चर्य को देख करके बोले श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। इसलिए कभी प्रभुपाद भक्तों के साथ में कहीं किसी तीर्थ में गए थे, जब तीर्थ में गए थे जैसे होता ना चार पांच सीढ़ी के ऊपर में प्रभुपाद खड़े हुए थे हाँ चार पांच भक्त इतने में हरिद्वार में, इसलिए उन्होंने जब खड़े हुए थे जब वहां पर गए कहते ना गंगार परस अहिले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा, जब जाकर गंगा में हम नहाएंगे तभी पवित्र बनेंगे, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं तीर्थ कुर्वती तीर्थानि शांतस्त्वेन कदावृत, कहते भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप है, फिर भक्त लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं,
बोले तीर्थ में स्नान करने नहीं, जो पापी लोग आकर के तीर्थ में नहा करके चले जाते हैं, अपना पाप की बोझ को छोड़ देते हैं, वैष्णव लोग जब जाते हैं इनके चरण स्पर्श से फिर तीर्थ का सारे पाप को वैष्णव लोग ग्रहण कर ले। इतने शक्ति वैष्णव में सारे पाप को ग्रहण करके तीर्थों को फिर तीर्थों को प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद खड़े हुए थे ऊपर में, लेकिन उनका शिष्य लोगों ने क्या देखा, वो पानी अपने आप उफनने लग गया है, वो पानी अपने आप उफनने लग गया, उफन उफनते आए और प्रभुपाद का चरण को स्पर्श किया और धीरे 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 अपने आप नीचे उतर गए। प्रभुपाद का सब भक्त लोग देख करके ना बड़े आश्चर्य हो गए, बोले देखो सचमुच से शास्त्र में जो बताया तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थ देखता रहता है, तब कोई शुद्ध वैष्णव आए जिनके चरण को स्पर्श करके मेरे पाप हल्का हो जाए, मेरे पाप हल्का हो जाए। इसलिए प्रभुपाद का शिष्य लोगों ने इस सब चीज को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। इसलिए प्रभुपाद जब छोटे बच्चे थे, जब छोटे प्रभुपाद जब थे उस समय प्रभुपाद उनका वो पांच भाई थे हैं, एक भाई बहुत बीमारी में पड़ गए, जो बीमारी में पड़ गए उस समय प्रभुपाद उनको सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते उनका हवा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, कहते सेवा करते करते क्या हुआ, हठात उनको ललाट में ये रामानुज संप्रदाय का तिलक अपने आप उनके अंदर में आ गया, रामानुज संप्रदाय का तिलक आ गया। हाँ करके वो कह रहा है, बोले प्रभुपाद पहले मैं रामानुज संप्रदाय का साधु था, लेकिन मैंने कभी गौड़ीय वैष्णव को मैंने कभी इनको बाद में कभी मैंने निंदा की है, चुगल किया है, ये गौड़ीय वैष्णव को हम कटाक्ष समय में किया है, लेकिन वो बहुत बड़े थे साधु है, बड़े उच्च स्तर के वो साधु थे, लेकिन मैंने ये वैष्णव को कटाक्ष करके मैंने बात किया, वैष्णव को मैंने चर्चा निंदा किया, इसलिए जब मेरे शरीर छोड़ गया, जब मैं वैकुंठ जा रहा था मेरे को रास्ता में रोक दिया गया, बोले वैकुंठ नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने वैष्णव चरण में अपराध किया है, ये गौड़ीय वैष्णव चरण में इन्होंने अपराध किया, वैकुंठ जा रहा था वहां से भी मेरे को रोक दिया गया, क्यों, वैष्णव चरण में अपराध होने पर भक्ति भक्ति सब नष्ट हो जाता है, ये सबसे बड़ा खतरा किसी वैष्णव चरण में हमारी अपराध, इसलिए किसी वैष्णव को निंदा चुगली कटाक्ष से कभी वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनका वैकुंठ विजय उनका बंद हो गया, बल्कि तुमने किसी गौड़ीय वैष्णव कटाक्ष से किया वैकुंठ नहीं जा सकते हो, इसलिए मेरे को वहां से उतार दिया, वहां से हमें उतार दिया, उतार करके उन्होंने अभी मैंने देखा मैं तो वैकुंठ जा रहा था, वैकुंठ नहीं जा पाया, मेरे को बंद कर दिया गया, इसलिए उन्होंने सोचा अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए, अभी कैसे मेरे अपराध कैसे मुक्त होगा, मुक्ति कैसे होगा। देखा उन्होंने एक गौड़ीय वैष्णव श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जन्म ग्रहण किया है, ये गौड़ीय वैष्णव के कमल मंजरी है, गौड़ीय वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर जन्म लिया, फिर उनको मैंने आधार करते आश्रय ले लिए, उनको मैंने बेटा रूप में आया, बेटा रूप में आकर के अभी जब बेटा रूप में आए और इन्होंने और देखा कि जो उनका बेटे रूप में कौन आएगा, प्रभुपाद जो राधा रानी के नयन मंजरी, एक तो कमल मंजरी प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर और उनका बेटा नयन मंजरी, एक परिवार में बहुत संतान वाले दो महापुरुष है, अगर इनका बेटे बन करके जाऊंगा उनसे अगर माफी मांगूंगा हो सकता है हमें माफ कर दे। इसलिए प्रभुपाद को सारी बात कह रहे हैं, बोले तुम एक दिन भविष्य में एक बहुत बड़े संत बनने वाले, विश्व ब्रह्मांड में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार करोगे, तुम गौड़ीय वैष्णव में एक शिरोमणि बनोगे, मैंने गौड़ीय वैष्णव को कटाक्ष किया है, इसलिए आप मेरे अपराध माफ कर दो, मेरे अपराध को माफ कर दो। प्रभुपाद ने अपराध माफ कर दिया तो तिलक दिखाई पड़ा, सारी बात को बोले और उन्होंने शरीर उन्होंने छोड़ दिए। इसलिए प्रभुपाद के जीवन में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के जीवन में अद्भुत अद्भुत घटना, प्रभुपाद कहीं प्रचार करते करते गए थे, एक तीर्थ मार्ग भक्ति तीर्थ तीर्थ मार्ग थे, उन्होंने उन्होंने स्वप्न हाँ भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, जब प्रभुपाद ने प्रचार करते करते किसी गांव में गए, जब किसी गांव में गए उसी समय में वो भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा, एक बहुत बड़े महापुरुष आए हमारे गांव में, एक बहुत बड़े महापुरुष, उनके पिता भी भक्त है, एक बहुत बड़े महापुरुष आए और उन्होंने मेरे को दर्शन दिया और मेरे को कान में मंत्र दिया है, तो उन्होंने सवेरे उठ करके अपना पिताजी को बोले पिताजी मैंने स्वप्न देखा एक बहुत बड़े संत आए हमारे गांव में कहीं आए और मैंने उनका दर्शन किया और देखा मेरे कान में उन्होंने मंत्र दिया है, तो उनको पिताजी ने कहा हाँ
हमारे गांव में तो बहुत बड़े संत आए हैं। बोले कहाँ पर? बोले अमुक स्थान पर, तुम जाकर के दर्शन कर। जब सचमुच से गए, देखा उन्होंने वही प्रभु का यही हमको रात को दर्शन दिए और हमारे कान में उन्होंने मंत्र दिए। फिर हमने प्रभुपाद की जाकर के बोले, आपको मैंने दर्शन किया, आप मेरे को मंत्र प्रदान किया, आप मेरे को अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर। प्रभुपाद ने जो शिष्य लोग हैं ना प्रभुपाद को, कल सुना था ना, जब राधा रानी भेज रहे हैं, बोले जाओ अकेले मत जाओ, तुम अपना परिक्रम को लेकर जाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए, अकेले नहीं आए, पूरा अपना परिक्रम को लेकर के आए और उनने जगत में प्रचार प्रसार कर प्रभुपाद ने उनको मंत्र दीक्षा दिए। ऐसे ही प्रभुपाद की अनंत अनंत कथा है। फिर फरवरी में फिर आएगी पिनिका, फिर तिथि आएगी, फिर हम इनकी कथा सुनेंगे। और जितने बच्चे लोग आ गए इस बार, हम लोग ने बहुत बहुत अच्छे से बहुत मजा सुना है। इसलिए हम चाहते हैं प्रभुपाद आप सबको आशीर्वाद करके, क्योंकि आप लोग प्रभुपाद की परपोता है और प्रभु के बारे में तुम लोगों ने इतने संग्रह किया और इतने सुंदर सुंदर तुम लोगों ने कथा सुनाई, इसलिए तुम लोग को धन्यवाद तुम लोगों को सबको। इसलिए इतने इसलिए और कोशिश करना, जैसे एक आएगा फिर 12 तारीख को फिर प्रभुपाद की अभिभाव तिथि आ रहा है, फिर उस समय भी हम लोग अच्छी अच्छी कथा सुनाना कोशिश करो। और प्रभु गुरुदेव का तिथि कितना तक? 7 तारीख का, 7 तारीख आज कितना तारीख हो गया? 4, 5, 6 2 दिन बाद में इसलिए तैयार करो अभी से, और भागवत में तैयार करो इसलिए, और उसको साथ साथ में भी ढूंढो गुरु जी की। जितने भक्त लोगों ने कथा सुनाई ना अलग अलग सब, अभी यहाँ पर विजय ब्रह्म जी की कर रहे ना, वहाँ पर सब भक्तों ने अलग अलग कथा सुना, उसको सुना, सुन कर नोट करो। देखो इसको अच्छे तरह से नोट करो, क्योंकि एक बार जीवन में हर कथा का नोट करोगे ना, फिर तो जिंदगी भर के धरोहर हो जाता है। एक अलग नोट बनाओ जिसमें केवल हमारी गुरुवर्ग का ही कथा है, केवल हमारे गुरुवर्ग कथा को नोट करो और फिर तैयार करो। और हमारे ये दोनों माताएं बहुत अच्छी कथा सुनाए, अच्छी कथा सुनाए, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना। जे अगर कुछ सुना, गुरुदेव का तिथि आ रही, अगर जैसे हमारे यूट्यूब में, यूट्यूब ढूंढो, यूट्यूब में देखोगे वहाँ पर अभी हमारे विजय कृष्ण प्रभु हमारे जितने गुरु जी का सजा आरती का जितने गुरु जी का शिष्य से अलग अलग सब कथा को उन्होंने संग्रह करा रही है। इसलिए और वहाँ पर सब मिलेगा तो वहाँ से सब नोट करना और कोशिश करना बोलने के लिए, 1 मिनट हो 2 मिनट हो 5 मिनट हो, क्योंकि अभी जैसे ना अगर कोशिश करोगे बोलने के लिए ना, अभी दिमाग में बैठ जाएगा, हमें बोलना है, हमें बोलना है, देखो ना दिमाग में सारा दिन वही घूमते रहेगा, वही घूमते रहेगा दिन। हाँ, इसको भजन कहते, भजन और क्या है? दिन भर गुरुवर को कथा स्मरण करना, वैष्णव का स्मरण करना, ठाकुर जी का, यही यही हमारे जो लक्ष्मीनारायण मथुरा में रहते ना, 3-3, 4-4 दिन पहले से राधा तत्व कृष्ण तत्व सबको गुरुदेव खड़े करते थे वहां पर, जितने वैष्णव सबको खड़े करते थे और जितने उस समय वैष्णव लोग थे सब तैयार करते थे, सबके सब तैयार करते थे, ऐसा सब बोलते थे। और गुरुदेव सुन सुन करके खुश होते थे, गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते थे। आज जो बढ़िया कथा बोलते थे गुरुदेव शाबाश देते थे, वाह तुमने बढ़िया कथा सुन ले। ठीक है, रसिला भक्ति सिद्धार्थ 4 मार्च की अभिराम महोत्सव प्रभुपाद जी का, 4 मार्च का है प्रभुपाद जी का अभिराम महोत्सव, 4 मार्च का है। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी का अभिराम महोत्सव बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare
गया। जय 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 जय